हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हैंड टैप के बारे में। तो हैंड टैप क्या है, हैंड टैप में हम लोग क्या करते हैं और हैंड टैप कैसा दिखता है, इसका मटेरियल क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए हैंड टैप जो है इसको हम लोग टैप बोलते हैं साधारणतः। तो टैप से हम लोग क्या करते हैं, टैप से हम लोग करते हैं, अगर हम लोग ड्रिल करेंगे तो ड्रिल के अंदर जो इंटरनल जो थ्रेड है उसको बनाने के लिए हम लोग हैंड टैप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए देखिए ये जैसे हम लोग एक ड्रिल होल है, ड्रिल होल के अंदर देखिए थ्रेड कटा है, इंटरनल थ्रेड कटा है। ठीक है, तो इस थ्रेड को बनाएंगे हम लोग इन टैप द्वारा। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का टैप है, ये हम लोग का पूरा टैप है, पूरा टैप का सेट है पूरा। देखिए टैप सेट का हम लोग इसका ड्राइंग भी बनाया है, तो ये प्रैक्टिकली हम लोग देख लीजिए टैप ऐसे दिखता है। ठीक है, तो ये तीनों सेट में पाया जाता है टैप। इसको हम लोग ऐसे टैप रेंज रहता है जिसको हम टैप होल्डर भी बोलते हैं या फिर टैप रेंज बोल, इसको हम लोग ऐसे लगा के इसके द्वारा जॉब के ऊपर टैप किया जाता है। ठीक है, ये जैसे होल है इसके ऊपर हम लोग टैप करते हैं। ठीक, तो इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी मैं दिखाऊंगा, अभी हम लोग इसका थियोरेटिकल वीडियो मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये हम लोग का टैप है, तो ये जो टैप है ये टैप तीन प्रकार का टैप, तीन प्रकार का पूरा सेट में पाया जाता है। तो कैसा सेट पाया जाए, देखिए हम लोग इस टैप को बोलते हैं एक नंबर टैप, दो नंबर टैप और तीन नंबर टैप। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का हो गया एक नंबर टैप और ये हो गया दो नंबर टैप और ये तीन नंबर टैप। ठीक, तो इन तीनों टैप टैप का अलग अलग नाम है, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते इसका जो मटेरियल है, देखिए ये टैप जो है ये टैप किस मटेरियल से बना रहता है। तो इस टैप जो है ये टैप बना रहता है टूल स्टील से बना रहता है, जिसको क्या किया जाता है, जिसको हार्डेंड ग्राउंड किया जाता है, हार्डेंड ग्राउंड करके इसको बनाया जाता है। तो ये टूल स्टील का बना रहता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं इंटरनल थ्रेड को काटते हैं। किसी भी हम लोग देखिए ड्रिल, ये हम लोग का ड्रिल है, ड्रिल के अंदर जो इंटरनल थ्रेड बनाया हो उसको हम लोग काटने के लिए, इंटरनल थ्रेड को काटने के लिए उसके अंदर स्क्रू फिट करने के लिए हम लोग ये टैप का यूज़ करके। तो देखिए टैप हम लोग का जो बोले हम लोग तीन सेट में पाया जाता है, एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर, तो तीनों एक साथ आता है। तो जैसे पहला जो टैप है, पहले टैप का नाम है क्या, पहले टैप का नाम है टैपर टैप, टैपर टैप। देखिए पहले सेट का जो नाम है वो टैपर टैप। देखिए ये हम लोग का प्रैक्टिकली है टैपर टैप। टैपर टैप क्यों बोला जाता है, देखिए इसका जो ये हो गया सैंक, ये हो गया हेड, तो इसका जो ये टीथ कटिंग पोर्शन है, देखिए ये जो टीथ कटिंग पोर्शन ये थोड़ा सा टैपर रहता है। क्यों रहता है टैपर, क्योंकि ये देखिए ये हम लोग का जॉब है, तो इसके अंदर अगर हम लोग का टैप करना होगा ड्रिल के अंदर, तो टैप को सेट करने के लिए उसको थोड़ा अंदर घुसाना पड़ेगा, तो अगर टैपर रहेगा तो उसको आसानी से वो घुस जाएगा होल में। देखिए ये जैसे ये हमारा होल है, तो इसके अंदर टैपर टैप आसानी से घुस जाता है, वो अटक के रह जाता है। लेकिन अगर हम लोग दूसरा कोई टैप बैठाने जाएंगे तो बैठेगा नहीं। देखिए तो इसको सेट करने में आसानी के लिए टैपर टैप को थोड़ा सा सामने की तरफ थोड़ा टैपर बनाया जाता है। तो ये टैपर क्या होता है, टैपर में होता है जो इसमें रहता है ना जो थ्रेड कटा हुआ, देखिए ये जो थ्रेड कटा हुआ रहता है इसमें जो पहले भाग का जो थ्रेड है वो देखिए थ्रेड वॉश किया हुआ है, थ्रेड को घिसा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो होता है सात से आठ जो थ्रेड है, थ्रेड यानी चूड़िया, ठीक है, जो सात से आठ चूड़िया है उसको हम लोग घिस देते हैं। ठीक है, तो वो घिसा रहता है पूरा, तो इसीलिए वो टैपर हो जाता है पूरा पूरा, उसमें थ्रेड नहीं होता, सात से आठ थ्रेड उसमें घिसा रहता है, तो उसको हम लोग टैपर टैप कहेंगे, यानी एक नंबर टैप। एक नंबर टैप का नाम हो गया टैपर टैप। फिर हो गया देखिए दो नंबर टैप, दो नंबर टैप का क्या नाम है, दो नंबर टैप का नाम है इंटरमीडिएट टैप। ठीक है, दो नंबर टैप का नाम है इंटरमीडिएट टैप। इंटरमीडिएट टैप क्यों कहते हैं, वो देखिए मिडिल में है पूरा, पहले टैप से हम लोग शुरुआती थ्रेड काट दिए, फिर उसको थोड़ा सा
फिनिश करने के लिए, थोड़ा सा और गहरा बनाने के लिए थ्रेड को हम लोग इंटरमीडिएट टैप यानी इंटरवल में डालेंगे उसको, ठीक है, मध्यम में डालेंगे, तो इसीलिए उसको इंटरमीडिएट टैप कहा जाता है। तो इंटरमीडिएट टैप में क्या रहता है, इंटरमीडिएट टैप में देखिए ये पूरा टैपर नहीं रहता, इसमें खाली तीन से चार चूड़ियाँ जो है, तीन से चार थ्रेड जो है वो टैपर रहता है, ठीक है, उसको घिसा जाता है, तीन से चार चूड़ियों को घिसा जाता है, बाकी वो पूरा सही पैरेलल ही रहता है, देखिए, ठीक। तो एक नंबर टैप के बाद हम लोग दो नंबर टैप यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे दो नंबर टैप, कि एक नंबर को थोड़ा और गहरा बनाने के लिए, थोड़ा और डीप बनाने के लिए थ्रेड को हम लोग दो नंबर टैप यूज़ करेंगे। तो देखिए ये जैसे हम लोग का एक होल है, ये हम लोग का पूरा एक जॉब है, तो इसके अंदर जो एज वाला जो होल है इसको हम लोग थ्रो आउट होल बोलते हैं, ठीक है। तो थ्रो आउट होल में देखिए पहले हम लोग एक नंबर टैप डाल दिए, ऐसे पहले हम लोग एक नंबर टैप डाल दिए, पूरा पूरा इसको पूरे होल को हम लोग थ्रेड कर दिए, फिर इसके बाद हम लोग डालेंगे दो नंबर टैप। देखिए दो नंबर टैप में तीन से चार चूड़ियाँ ही खाली घिसा है, बाकी पूरा ये है, और एक नंबर टैप में एक से पूरा सात से आठ तक पूरा घिसा हुआ है, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे फिर एक नंबर के बाद फिर दो नंबर को डालेंगे, थोड़ा सा और थ्रेड को गहरा और फिनिशिंग करने के लिए, ठीक। अभी नेक्स्ट आ गया कितना, नेक्स्ट आ गया तीन नंबर टैप। तीन नंबर टैप को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए तीन नंबर टैप को हम लोग बोलते हैं बॉटमिंग टैप, बॉटमिंग टैप। बॉटमिंग टैप क्यों बोलते हैं, बॉटमिंग यानी सबसे आखिर में ये यूज़ होता है, सबसे आखिर वाला टैप है। इसमें क्या रहता है, इसमें एक से दो चूड़िया टैपर रहता है, एक से दो चूड़िया इसका घिसा रहता है, या फिर किसी किसी में नहीं भी घिसा रहता है। देखिए देखिए पहले हम लोग किसी होल में एक नंबर टैप को सेट करने के लिए डालेंगे, फिर उसको थ्रेड को फिर और गहरा बनाने के लिए दो नंबर थ्रेड डालेंगे, फिर दो नंबर भी देके उस थ्रेड को और भी क्लियरेंस बनाने के लिए, और भी शार्प बनाने के लिए, और भी मतलब फिनिशिंग करने के लिए, उसके अंदर अगर कोई भी चीज़ वगैरह रहे तो उसको निकालने के लिए हम लोग ये तीन नंबर टैप जो है जिसका नाम है बॉटमिंग टैप, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए बॉटमिंग टैप हम लोग एक नंबर दो नंबर के बाद तो हम लोग यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसका और एक प्रयोग है। इसका प्रयोग कहाँ पर है, देखिए ये जो हम लोग का होल है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड होल, ठीक है, ये हम लोग का जॉब है, ये वाला होल है, इसको हम लोग थ्रो आउट होल बोलते हैं, यानी पूरा इधर से इधर पूरा होल हो गया, और ये हो गया ब्लाइंड होल। ब्लाइंड होल में क्या होता है, खाली आधा तक हम लोग होल करेंगे या आधा से ज़्यादा होल करेंगे, ठीक है, इसमें पूरा नहीं होल करेंगे। तो जब ब्लाइंड होल में जब हम लोग का इंटरनल थ्रेड की बारी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तब उसमें तो हम लोग एक नंबर टैप अगर डालेंगे तो उसमें तो पूरा थ्रेड नहीं कटेगा, क्योंकि जिसमें इधर तक पहला वाला अटक जाएगा तो टैपर है उसमें तो थ्रेड नहीं कटेगा, फिर दो नंबर टैप डालेंगे उसमें भी थ्रेड नहीं कटेगा। इसीलिए हम लोग जब ब्लाइंड होल का जब सिस्टम आता है तब उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें ये टैपर टैप को घुसा के पूरा यहाँ तक पूरा अंदर तक हम लोग टैपिंग कर सकते हैं, यानी इंटरनल थ्रेडिंग काट सकते हैं, किसके द्वारा, बॉटमिंग टैप के द्वारा। तो बॉटमिंग टैप का यही एक स्पेशल काम है कि वो ब्लाइंड होल में टैपिंग करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो यही हम लोग का दो तीनों टाइप का जो टैप है इसके बारे में हम लोग बता दिए। तो आप लोग समझ गए, ड्रिल करने के बाद ड्रिल के अंदर अगर इंटरनल थ्रेडिंग करना होगा तो हम लोग ये तीनों टैप यूज़ करेंगे। तो दोनों टैप कहाँ पर यूज़ करेंगे, पूरा एकदम जब थ्रो आउट होल होगा तो उसमें यूज़ करेंगे, और जब ब्लाइंड होल के बारी आएगा तो उसमें हम लोग तीन नंबर टैप का यूज़ करेंगे, या फिर थ्रो आउट होल में भी तीन नंबर टैप का यूज़ कर सकते हैं फिनिशिंग के लिए, ठीक है। बाकी तीन नंबर टैप जो है वो ब्लाइंड होल के लिए ज़्यादा काम आता है, ठीक। अभी हम लोग इसका जो टैप ड्रिल साइज है, मतलब अगर आप लोग का ड्रिल साइज 10 mm है तो उसका टैप साइज कितना होगा, इसको निकालने का एक फॉर्मूला है उसको बताएंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा आप देख लीजिए। तो देखिए अभी हम लोग देखेंगे टैप ड्रिल साइज, ठीक है, मतलब अगर हम लोग ड्रिल करेंगे 10 mm का, तो उसके अंदर 10 mm का तो टैप नहीं दे सकते ना, तो क्योंकि उसका बड़ा उसको अंदर का तो वो थ्रेड काटेगा, तो थ्रेड काटने के लिए उसको तो एरिया चाहिए, ये देखिए थ्रेड काटेगा तो उसके लिए एरिया चाहिए, तो टैप साइज थोड़ा बड़ा देना पड़ेगा। तो टैप साइज वो कैसे निकालते हैं, वो उसका एक फॉर्मूला है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसको हम लोग टैप ड्रिल साइज बोलते हैं। तो देखिए टैप साइज को मतलब आप लोगों को टैप साइज दिया रहेगा उसके हिसाब से
आपको ड्रिल उसके अंदर ड्रिल करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको M12 का जो टैप साइज को उसको M से डिनोट किया जाता है, ठीक है, तो मतलब M12 यानी 12 mm का टैप है, ठीक है, तो 12 mm का आपको टैप करना होगा, मतलब 12 mm का थ्रेड आपको काटना होगा, तो उसके अंदर वो बोल देगा कि आपके ड्रिल साइज कितना होगा, आप कितना mm का ड्रिल उसके अंदर करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, देखिए 12 mm का जब टैप दे देगा तो उसका पिच भी उसके सामने दिया रहेगा, ठीक है, उसका पिच दिया रहता है 1.75, तो उसके हिसाब से दे देगा। अगर 10 रहा तो उसका पिच दे देगा कुछ और, ठीक है, 10 रहा तो उसका पिच दे देगा 1.5, ऐसा कुछ करके दे देगा। देखिए हम 12 mm के ऊपर, उसका एक चार्ट आता है उसमें आप लोग पूरा समझ जाओगे कि क्या होता है। तो देखिए 12 mm का अगर टैप रहेगा तो उसका पिच दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, 1.75 mm दिया रहेगा, ठीक। तो अभी ड्रिल साइज आप लोगों को निकालने के लिए बोलेगा क्वेश्चन, तो ड्रिल साइज आप लोग कैसे निकालोगे, ड्रिल साइज आप लोग निकालोगे मेजर डाया, उसका जो फॉर्मूला है देखिए, मेजर डाया माइनस पिच, यही हम लोगों का फॉर्मूला है, मेजर डाया माइनस पिच। तो मेजर डाया हम लोगों का कितना है 12, तो 12 हो गया, माइनस पिच कितना दिया है 1.75, ठीक है, तो खाली इन दोनों को खाली माइनस कर देंगे तो हम लोगों का पूरा निकल जाएगा, ये क्या निकल जाएगा, ड्रिल साइज। तो इन दोनों को माइनस करके कितना होता है, देखिए 10.25 आ जाता है अप्रॉक्स। तो आप लोगों का जो ड्रिल साइज है उसमें 10.25 का करना होगा, यानी खाली 10 mm का ड्रिल करने से ही आप उसमें 12 mm का टैप लगा सकते हो, ठीक। तो यही हम लोग का पूरा फॉर्मूला है, मेजर डाया माइनस पिच, तो उसके हिसाब से हम लोग टैप ड्रिल साइज निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो पूरा समझ में आ गया, पूरा टैप के बारे में पूरा वीडियो होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टैप कैसे करते हैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।